छत्तीसगढ़ के रायपुर में आधा दर्जन लोगों को सरकारी मकान दिलवाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। मामले को लेकर आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना तेलीबांधा का है, जहां आरोपी श्यामू चैलक ने खुद को रायपुर नगर निगम का कर्मचारी बताकर आवास का आवंटन कराने का झांसा देकर लोगों से 511,500 रुपये ठग लिए। मकान न मिलने पर जब लोगों ने पूछ परख की तो पूरे मामले का पता चला। मामले की शिकायत पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। प्रार्थी सुहेल अंसारी के द्वारा थाना तेलीबांधा में रिपोर्ट की गई थी कि श्यामू चेलक ने अपने आप को नगर निगम का कर्मचारी बताते हुए नगर निगम के अधिकारियों से पहचान होने की बात कह के RDA में मकान दिलाने के नाम पे उससे 65,000 रुपये लिए हैं और इसी प्रकार अन्य लोगों को मिला के कुल 511,000 रुपये लेकर ठगी की है और ना ही उन्होंने पैसे वापस किए और ना ही उनको कोई RDA का मकान ही अलाट करा पाया, जिस पर रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया तथा आरोपी श्यामू चेलक को हिरासत में लिया गया है, जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।